नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट से कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो है आवेदन क्रम वो खो गया है, हमारे पास यहाँ पर जो है प्रिंट जो हमने लिया था वो हमें मिल नहीं रहा है। तो बिना आवेदन क्रम के हम लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आवेदन क्रम को किस तरीके से खोज सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से आवेदन क्रम खोजना है और आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी जॉब अपडेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलते हैं हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेटेस्ट अपडेट में आपको फर्स्ट पे दिखेगा एडमिट कार्ड एक्साइज कॉन्स्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट। फर्स्ट वेबसाइट पर आप यहाँ पर फर्स्ट जो अपडेट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा एक्साइज कॉन्स्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ये मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। 13 डिजिट का यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है पहले इसका एप्लीकेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफलाइन यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म होते हैं वहाँ पर आपको आ जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन दिखेंगे महत्वपूर्ण लिंक, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा आवेदन संख्या खोजे, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो बेसिक यहाँ पर डिटेल्स आपसे मांगेगा कौन सी वैकेंसीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर जो है अपना आवेदन क्रम खोजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग को देखने को मिलेगा आपको जिस भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ का एडमिट यहाँ पर जो है आपको आवेदन क्रम खोजना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमको एक्साइज कॉन्स्टेबल का यहाँ पर जो है ये देखना है तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। बेसिक डिटेल मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है, उसके बाद आगे खोजे इस पर क्लिक किया था तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर मेरा फाइंड हो गया है, मेरे नाम, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है इंटर कर देना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ ये मांग रहा है वो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से कैप्चा जो है दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस करना है और यहाँ पे जो है आपको इसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये प्लस कर देते हैं और आंसर दे देते हैं, ठीक है। सर्च पे आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड ये बता देगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा यहाँ पर एडमिट कार्ड इसने बता दिया, हमारा एडमिट कार्ड फाइनली आ चुका है। अब इसको आप लोग प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप PDF में सेव कर सकते हैं, बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, जब आपका एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीका बता दिया है किस तरीके से आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, ग्रुप 3 सब इंजीनियर के बारे में किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर अपडेट दिखेगा, सेकेंड इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे जो है आपका ये डिटेल्स मांगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो है अब आप लोगों से ये एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है। बाकी आपका TSC कोड होता है वो आपका यहाँ पर ये मांगेगा। आपको यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स दे देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कैप्चा ये इस तरीके से मांग रहा है, माइनस आपको कर देना है, 30 यहाँ पर आपको लिख देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ग्रुप 3 सब इंजीनियर का यहाँ पर जो है यहाँ पर रिजल्ट ये बता देगा, ठीक है, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आबकारी विभाग का भी यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बिना आवेदन क्रम किस तरीके से आपको खोजना है और एडमिट कार्ड निकालना है वो मैंने फाइनली आप लोग को बता दिया है, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई न्यू अपडेट आती है आबकारी भर्ती से रिलेटेड तो आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।